गुलबर्गा शहर में 19 जून को होने वाले SDPI ग्रैंड पीपल पावर कॉन्फ्रेंस को पोस्टपोन किया गया है। SDPI पिछले कुछ दिनों से हर तालुका विलेजेस में विजिट कर आवाम से ग्रैंड पीपल पावर कॉन्फ्रेंस में विजिट करने की गुजारिश कर रही थी। ये प्रोग्राम कई मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट में ऑर्गेनाइज किया गया था और गुलबर्गा शहर के पीर बंगाली ग्राउंड में कल यानी 19 जून को होने जा रहा था, पर मौजूदा मुल्क के हालात और हर आए दिन हो रहे एहतजाज को देख एडमिनिस्ट्रेशन ने SDPI से इस प्रोग्राम को पोस्टपोन करने की गुजारिश की है। SDPI के जिम्मेदारों ने कहा, मौजूदा मुल्क के हालात को समझते हुए ये प्रोग्राम को फिलहाल पोस्टपोन किया जा रहा है। अगले महीने यानी जुलाई में एक डेट फिक्स कर ये प्रोग्राम का ऐलान किया जाएगा। आज सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया का प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मकसद यही है कि आने वाली 19 तारीख को गुलबर्गा में पीपल पावर कॉन्फ्रेंस के नाम से एक बहुत ही बड़ा कॉन्फ्रेंस होने जा रहा था, लेकिन कुछ वजहों की वजह से ये कॉन्फ्रेंस पोस्टपोन किया गया है। मैं बहुत ही अफसोस खबर है गुलबर्गा के और एतराफ़ के जो SDPI को चाहने वाले हैं, SDPI की जो आइडियोलॉजी को पसंद करते हैं, SDPI की जो काम करने के जो तरीक़े को पसंद करते हैं, उनके लिए अफसोस है। लेकिन उम्मीद ये है कि आने वाले दिनों में इंशाल्लाह पीपल्स पावर कॉन्फ्रेंस दोबारा होगा। वजह पोस्टपोन करने की ये है कि आज सुबह में डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस ने हमने बुलाया था, डिटेल डिस्कशन हुआ। उन्होंने कहा कि इस पीपल पावर कॉन्फ्रेंस को बैंगलोर से परमिशन नहीं मिली है। वजह यही है कि जो नुपुर शर्मा का जो केस के वजह से जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया और दीगर अलग अलग इश्यूज़ के ऊपर पूरे कर्नाटक में रेगुलर प्रोटेस्ट हो रहे हैं, तो उसी वजह से बैंगलोर से शायद स्टेट गवर्नमेंट या इनकी पुलिस डिपार्टमेंट ही 26 तारीख तक पूरे कर्नाटक में कहीं भी बड़े प्रोग्राम्स बड़े एहतजाज को परमिशन नहीं दिए हैं। तो उसी को चलते हुए हमें डिप्टी कमिश्नर पुलिस ने रिक्वेस्ट किया है कि एक हफ्ते के बाद हमारा ये जो पीपल पावर कॉन्फ्रेंस है वो कर सकते हैं, और जो माहौल है ये माहौल को ज़रा कंटेनमेंट करने के लिए, इसको थोड़ा स्थिर लाने के लिए हमारे भी कोऑपरेशन पूछे हैं। हम लोगों ने हमारे स्टेट लीडर्स के साथ, फिर बाद में डिस्ट्रिक्ट लीडर्स के साथ डिस्कशन किया। उसके बाद हमने ये सही समझा कि इस वक्त पुलिस डिपार्टमेंट को कोऑपरेशन देना ज़रूरी है। अगर हम बिना पुलिस परमिशन के अगर हम प्रोग्राम करते हैं 19 तारीख को गुलबर्गा में, क्योंकि गुलबर्गा में उर्स का माहौल है, पूरे देश भर से यहाँ पर ज़ियारत के लिए ये इतने अच्छे इवेंट के लिए मनाने के लिए आए हैं, तो ऐसे वक्त में पुलिस डिपार्टमेंट के साथ कश्मकश करना एक माहौल को ख़राब करने जैसा होता है। तो इसलिए हम लोगों ने उनके उस रिक्वेस्ट को कबूल किया है। तो जुलाई में मोस्टली हम सेकेंड वीक ऑफ आफ्टर बकरीद हम लोग ये पीपल पावर कॉन्फ्रेंस करेंगे बोलकर हम उन्हें वहीं पे बात की है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, एक हफ्ते के बाद आप कभी भी कर सकते हैं, लेकिन 26 तारीख तक पूरे स्टेट भर में ये डायरेक्शंस आए हैं, तो इसका हम रिक्विजिशन को एक्सेप्ट करते हुए हैं। तो ये 19 तारीख का जो प्रोग्राम है इसको हम पुलिस डिपार्टमेंट के रिक्विजिशन पे हम लोगों ने एक्सेप्ट किया और उसको पोस्टपोन किया है। ಏನು ನಮ್ಮ ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ನಡಿಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಬೃಹತ್ ಜನ ಅಧಿಕಾರ ಸಮಾವೇಶ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ವತಿಯಿಂದ SDPI ಸೋಷಿಯಲ್ ಡೆಮೊಕ್ರೆಟಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಯಬೇಕಿದ್ದ ಒಂದು ಬೃಹತ್ ಜನಾಧಿಕಾರ ಸಮಾವೇಶವನ್ನು ನಾವು ಕಾರಣಾಂತರಗಳಿಂದ ಮುಂದೂಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ, ಕರ್ನಾಟಕ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯದಿಂದ ಒಂದು ಇದು ಬಂದಿದೆ, ಇಂಟಿಮೇಷನ್ ಬಂದಿದೆ, 26ರವರೆಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಥರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಬೃಹತ್ ಸಮಾವೇಶಗಳು ನಡೆಯುವಂತಿಲ್ಲ. ಆದ ಕಾರಣ ನಮಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಆದ ಕಾರಣ ನಾವು ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ರಾಜ್ಯ ನಾಯಕರ ಜೊತೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾ ನಾಯಕರುಗಳ ಜೊತೆ ಒಂದು ಚರ್ಚಿಸಿದ ನಂತರ ನಾವು ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಂದೂಡಬೇಕಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. हमारे SDPI के तमाम कैडर्स, सपोर्टर्स और वेलविशर्स मेंबर्स और गुलबर्गा की तमाम आवाम से हम
दिल की गहराइयों से माजरत खां हैं। पुलिस डिपार्टमेंट ने, गुलबर्गा पुलिस डिपार्टमेंट ने हमसे रिक्वेस्ट की कि आप जो 19 तारीख को जो पीपल्स पावर कॉन्फ्रेंस जो रख रहे हैं, इस प्रोग्राम को पोस्टपोन्ड किया जाए, क्योंकि जो स्टेट गवर्नमेंट से डायरेक्शंस हैं कि 26 तक कोई भी बड़ा ग्रैंड प्रोग्राम्स या प्रोटेस्ट वगैरह की इजाज़त नहीं है, तो लिहाजा आप अपना प्रोग्राम आगे बढ़ाइए बोलकर रिक्वेस्ट किए। तो इस वजह से हम लोग इस प्रोग्राम के बारे में चर्चा करके स्टेट और हमारे डिस्ट्रिक्ट के तमाम लीडर्स के साथ बैठकर चर्चा करके हम ये फैसला लिए हैं कि इस 19 तारीख के प्रोग्राम को पोस्टपोन्ड कर इंशाल्लाह आने वाले जुलाई के महीने में दूसरे सेकेंड वीक में इंशाल्लाह ये प्रोग्राम बकरीद के बाद किया जाएगा। ये प्रोग्राम बहुत बड़े पैमाने पे ऑर्गेनाइज किया गया था, क्योंकि इस प्रोग्राम में हज़ारों की तादाद में लोग शामिल होने वाले थे, इसीलिए पीर बंगाली ग्राउंड को हम लोगों ने फिक्स किया था। गुलबर्गा में बहुत सारे ऐसे लोग SDPI से जुड़ना चाहते हैं, SDPI से जुड़कर काम करना चाहते हैं। देखें वो लोग कांग्रेस के अंदर क्या हालात है, कांग्रेस अब ICO में पड़ी हुई है, और दूसरी ओर JDS 6 महीने में एक बार एक चार्जिंग डोज लेकर आती है, फिर उसके बाद गायब हो जाती है। और दूसरी ओर जो पॉलिटिकल पार्टीज़ अपने आप को मुसलमानों के लीडरान मानते हैं, वो अब फ्रेंचाइजी बन चुकी है इस गुलबर्गा के अंदर। तो इसीलिए लोग इन तमाम लोगों से बेजार आकर, ये तमाम जो लीडरान हैं जुम्मा के, ये जुम्मा कौन सी तो पार्टी में रहते, दूसरी जुम्मा कौन सी तो पार्टी में रहते, तो ये हालात है। तो ऐसे वक्त में यहाँ के रहने वाले गुलबर्गा की आवाम को एक सही डायरेक्शन और एक सही सियासी सोच समझ देने के लिए सिवाय सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। तो इसीलिए SDPI का एक SDPI ही एक अल्टरनेटिव है बोलकर इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया गया था। तो लिहाजा आने वाले जुलाई में और बड़े पैमाने पर इसको तैयारी करके और तैयारी के साथ हम लोग इंशाल्लाह काम करेंगे। यही गुजारिश करते हुए आप तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने भी इस प्रोग्राम को सक्सेस करने के लिए जो काम किया है उन तमाम लोगों का।